और इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के घर पर अहम मीटिंग चल रही है। यह मीटिंग कांग्रेस के G23 के नेताओं की, तमाम बड़े नेता इसमें, जिनमें गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, राज बब्बर, शशि थरूर, ये सब लोग मौजूद हैं। हमारी सीनियर एडिटर विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। विजय लक्ष्मी, एक असंतुष्ट धड़ा था G23 का, अब ये मीटिंग कर रहे हैं, कल CWC की मीटिंग में भी इनमें से कुछ नेता मौजूद थे, क्या कुछ हासिल हो पाएगा इस मीटिंग के बाद, कुछ निकल पाएगा? देखिए, ये जो धड़ा है इसकी सबसे मुखर आवाज जो है वो कपिल सिब्बल साहब हैं, जिन्होंने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा कि अब समय आ गया है कि गांधी परिवार जो है वो कांग्रेस पार्टी की बागडोर छोड़ दे और बाकी जो कोई और नेता है वो पार्टी की बागडोर थामे। कपिल सिब्बल के मुताबिक गांधी जो है वो बार बार फेल हो रहे हैं और अब समय आ गया है कि वो छोड़े कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और कोई और संभाले। लेकिन कपिल सिब्बल के यहाँ पर ये जो मीटिंग है ये होनी थी और सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ नेता उनके इस बयान से मत नहीं है, इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते थे और इसलिए ये मीटिंग जो है अब गुलाम नबी आजाद साहब के घर हो रही है। पंकज, इसमें कुछ नए नाम भी जुड़े हैं, G23 बहरहाल G21 हो गया है क्योंकि जितिन प्रसाद और योगानंद शास्त्री जो ओरिजिनल G23 थे, जिन्होंने उसमें हस्ताक्षर किए थे, वो पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो तीन नए लोग जो G23 के सदस्य नहीं थे, जिसमें मणिशंकर अय्यर हैं और प्रणीत कौर हैं, ये दो लोग हैं और एक और है जो पहले G23 का सदस्य नहीं था। तो यानी G23 या G21 आप कहें, जो बार बार कांग्रेस में रिफॉर्म्स की बात करता आ रहा है, वो धड़ा कहीं ना कहीं एक्सपैंड करता हुआ जरूर यहां पे नजर आ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।